हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना चैनल आपका विकास इंस्टीट्यूट में। और मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बायोलॉजी का 30 क्वेश्चन करवाया था। हमें आशा होगी कि आप लोग मेरा वीडियो को देखे होंगे। अगर जो भी फ्रेंड ने मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज का मेरा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को पता होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, नहीं तो मैं बताऊँगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत में क्रम से आने वाले दूसरे यूरोपियन कौन थे। भारत में क्रम से आने वाले दूसरे यूरोपियन कौन थे, तो कौन थे? डच आए थे। कौन आए थे? डच आए थे। तो इसका एक सूत्र है PDEDEF, ठीक है, PDEDEF होता है ना, PDEDEF। तो बोलेगा कि भारत में क्रम से आने वाला, तो पहला था P से पुर्तगाली, D से डच, E से अंग्रेज, D से डेनिश और F से फ्रांसीसी, ठीक है। यानी कि मेरा क्वेश्चन था कि भारत में क्रम से आने वाले दूसरे यूरोपियन कौन थे, तो बताया था PDEDEF, तो P से पुर्तगाली, D से यानी दूसरा नंबर पे कौन थे, डच। यानी पहला आए थे पुर्तगाली 1498 में, फिर दूसरा में आए थे डच 1602 में, फिर तीसरा में आए थे अंग्रेज 1608 में, फिर डेनिश आए थे 1616 में, फिर लास्ट में आया था फ्रांसीसी 1664 में, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन, तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, क्या होता है CnH2n। तो देखिए इसमें होता है 3 फॉर्मूला आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन है ना, तो एल्केन में क्या होता है CnH2n+2 हो जाता है, ठीक है, CnH2n+2 एल्केन में। एल्कीन में दो हट जाएगा, CnH2n खाली रहेगा, ठीक है, और एल्काइन में 2 घटा देंगे, जैसे एल्केन था ना तो 2 जोड़ दिया था, तो एल्काइन में 2 घटा देंगे और एल्कीन में CnH2n, यानी ऐसे इसको बोलेगा त्रिक है, तो केन किन काइन, एल देखिए सब में कॉमन है, यानी कि CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n-2 एल्काइन, ठीक है। उसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन आप लोग से है, बताइएगा भारत के कितने राज्यों में अभी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो कितने राज्यों में है, 10 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 10 राज्यों में है। तो 10 का नाम देखिए कौन है, मिजोरम है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है, 10 को याद कर लीजिएगा, मिस्यू मीना मन में तू है, तो MI से होता है मिजोरम, SS से होगा सिक्किम, मिस्यू, ठीक है, MI SS मिस होता है ना, तो MI से मिजोरम, SS से सिक्किम, यू से उत्तराखंड, मीना MEENA था, MEE से मेघालय, NA से नागालैंड, मन तो म से मणिपुर, मे को छोड़ देना, ठीक है, TU तू ह, तो T से त्रिपुरा, ठीक है, TU से त्रिपुरा, H से हिमाचल प्रदेश, और AA है तो A से असम, और A से फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि 10 राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है भारत में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग का है, बताइएगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किस अनुच्छेद में बोला गया है। तो अनुच्छेद 15 किसमें, अनुच्छेद 15 में बोला गया है। उसके बाद बताइएगा आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं अपना टॉपिक पढ़ाऊँगा। उसके बाद बताइए आप लोग, बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था, बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था, तो बताइए कब किया गया था, 1992 में किया गया था, ठीक ना, 1992 में किया गया था, और 1992 में किया था, और जो इसमें आक्रमण हुआ था तो 1.5 लाख लोग को हित बनाया गया था, ठीक ना, मगर इसमें जो मारे गए थे
2000 लोग मारे गए थे। और जो बाबरी मस्जिद की जांच हुई थी लिब्राहम आयोग के अध्यक्षता में हुई थी और स्थापना हुआ था 1527 में, मीर बकी ने किया था, ठीक ना, और किसके कहने पर, बाबर के कहने पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, 4 क्वेश्चन आप लोग का हो गया, उसके बाद मैं अपना टॉपिक पर आता हूँ। तो मैं SSC का क्वेश्चन करा रहा हूँ, डेली 2 पे चलता है। तो आज का मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है, चतुर्थ संपदा किसको निर्देशित करती है, समाचार पत्र, ठीक है। राज्यसभा का एक अस्थायी सदस्य होने के लिए, सदन होने के क्या कारण है, क्योंकि एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष सेनावृत्ति होते हैं। किस राज्य की विधान सभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल नागालैंड में करते हैं। किस व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है, न्यायिक कार्यवाही। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन है, रामप्रसाद बिस्मिल है, बताइएगा। फिर इसके बाद संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, रामानुजाचार्य ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, लॉर्ड कर्जन। 1919 ईस्वी में अधिनियम द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित किया था, लाइकेन काटिस। हौसल की राजधानी का नाम था द्वार समूह। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना, सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो पटना में इनका जन्म हुआ था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था, कनिष्क को द्वितीय अशोक बोला जाता है। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया कौन करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्ता नांतरित किया, पुरंदर। कालीबंगन किस प्रदेश में है, घग्गर नदी पर है, और किस प्रदेश किस राज्य में, राजस्थान। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स ने। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने। संत कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है, पल्लवों को दर्शाता है, ठीक है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ देश तानसेन और बैजू बावड़ा किसके संस्कार में थे, अकबर के संस्कार में। लॉर्ड महावीर की मृत्यु हुई थी कब, 468 में हुई थी, कहाँ हुई थी, पावापुरी में। डेकेन अधिदक्ता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिदक्ता है, छोटा नागपुर अधिदक्ता। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, भारत। बोस्निया हर जेगोविना किसके भाग थे, तो युगोस्लाविया के। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आते हैं, सूर्य ग्रहण में। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद में प्रचार किया गया था, पाली में, है ना, बौद्ध में। प्रकृति था जैन में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी, हड़प्पा में हुई थी। किस प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के संबंध में अभिव्यक्त किए थे, भूमध्य रेखा। किसको, भूमध्य रेखा। उसके बाद एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंद की संख्या का प्रतिशत कितना होता है, 71 से 80, ठीक है, 71 से 80। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है, निकोबार द्वीप समूह यानी इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी, 6। आहार नाल में स्टोच के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोस में होता है। केंचुओं की कितनी आँखें होती है, केंचुओं का कोई भी आँख नहीं होता, कोई नहीं। एक्यूपंक्चर क्या है, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। कुछ वायरस RNA होती है परंतु DNA नहीं, इससे क्या पता चलता है। RNA आनुवंशिक की जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। वायुगुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन होता है, जल पादप। अम्बिभता से कौन सा रोग होता है, अमाती सार रोग होता है। प्रासिदिक तंत्र में नाइट्रोजन का प्रसंचरण किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है, गर्म और शुष्क जलवायु।
ठीक है। अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? जठर का। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोलते हैं। मछलियों को यकृत तेल की प्रचुरता विटामिन डी में होता है। अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? गुर्दे को। कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट क्या है? उर्वरक है। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन क्या नाम है? उसको चढ़ते हैं यसद लेपन। स्लैग यह नाम किसे दिया गया था, किसे दिया जाता है? गलित कैल्शियम सिलिकेट को। किस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्व किससे होता है? क्रोमोनियम और निकेल। पीड़कनाशियों का प्रयोग किसके विनाश करने के लिए किया जाता है? कीट के लिए। भारत में 29 IRBM क्या है? अग्निद्वितीय है, ठीक है। इसके बाद विश्व का घास भूमि, ठीक है, सवाना कहाँ स्थल है, स्थान इसका है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उदाहरण है सुडान। लेनोस दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वेनेजुएला। कैंपोस दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ब्राजील। पेरी उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण क्षेत्र में, USA कनाडा। स्टेपी यूरेशिया के शीतोष्ण क्षेत्र में, पूर्वी USSR। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण क्षेत्र में, मरले डार्लिंग बेसिन। वेल्ड अफ्रीका के शीतोष्ण क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका। पंपास दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण क्षेत्र में, अर्जेंटाइन। फार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंध उत्तर ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पेज है, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 44वें संविधान संशोधन 1989 में। किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा बना दी? 370। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राजसंघ, राज्यों का संघ। और बोला भी गया अनुच्छेद 1 में, जनगणना किस सूची के अंदर आता है? समावेशित संघ सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से करता है। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किसमें किया जाता है? सुरक्षा परिषद। और 5 देश है ना जो अस्थाई देश है, नहीं मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय 1828, ठीक है, जो किए थे क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन 84 से 84। 1945 ईस्वी में अनुबम के गिराए जाने पर तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश की स्थिति? जापान में। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता में किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था? मगधी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया जाता था? टेराकोटा, पक्की सी मिट्टी से बनाता है टेराकोटा। किस राज्य पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ किया गया था? गुजरात में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ के किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होता है? अम्ल अल्पगलनांक उच्च प्रतिरोध। एक समान नेत्र सुपर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम को देख सकता है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूर की वस्तु को देख सकता है, अनंत की वस्तु को अधिकतम। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिला? हैदराबाद को। जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन की कीमत उतरती है तब एक्स की मांग उतरती है। एड्स वायरस शरीर के किस यंत्र को नाश करता है? असंक्रामक तंत्र का। मसालों की सौरभ और सुवास किसे के कारण होती है? अनिवार्य तेल। बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? वन क्षेत्र। ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक वनस्थल में रहता है, ऐसा कैसे कर पाता है? अपने ककूद कुंवर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके करता है, ठीक है।
इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय शक्ति में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? चीनियों ने किया था, खोजा था। सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया? 1743 में। किस यूरोपियन शक्तियों ने शिवाजी को तोपे प्रदान की? पुत्रगाली ने। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति संबंध मुख्य रूप से किससे है? बी आई लेलिन से। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? शेख मुआइजुद्दीन चिश्ती ने। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की किस किस बीच में थी? कलकत्ता और आगरा में। किस किस के बीच में? बाबर नामा खुद बाबर ही लिखा था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। किसका? श्रमण। किस प्रकार का मृदुवांड पॉटरी भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ में प्रतीक माना जाता है? चित्रित धूसर। क्या? चित्रित धूसर। उसके बाद माओ डी जॉन्ग किस देश के समयावधि आंदोलन के नेता हैं? चीन। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? राजा जी। मुक्ता किस कृति के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931 में फंस गए थे? लाहौर षड्यंत्र की घटना के कारण। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधिक नमक बनाया था? डांडी में। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मना ढिंगरा ने बोला था। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी के गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? धवलता। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। किसी मृदा का पीएच मान मूल उसके विशेष मृदा को किसको मापता है? अम्ल अंश को। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला का मुख्य रूप से उपयुक्त है? एंथेसाइट। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी पर्वत है ना। उसके बाद है अगला, सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमा नदी में। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा क्या नाम है? लेब्राडोर धारा। भारत के दूर पूर्व पश्चिम छोरों में समय का अंतराल 2 घंटा होता है। 1.45 डिग्री पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार पूर्ति। भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्ति श्रमिक संख्या कुल श्रमिक संख्या का कितना प्रतिशत है? 64% है। एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय क्या होता है? नियत निवेश होता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? नायलॉन 6/6 ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा उपस्थिति। तथा हड्डियों के निर्माण पोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम होता है। सोल्डर किस धातु का बनाता है? टीन और लेड का। चाय की पैदावार मुख्यतः कहाँ आती है? पहाड़ी ढाल में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग ये मेरा वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं इसका फिर नेक्स्ट पेज अगले दिन करवाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।